नमस्कार जनसत्ता देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आशीष श्रीवास्तव। एक टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करने वाली नुपुर शर्मा को बीजेपी ने निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही नवीन कुमार जिंदल को भी बीजेपी ने निलंबित कर दिया है। जैसे ही इन दोनों को बीजेपी ने निलंबित किया, उसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने इन लोगों को तरह तरह की बातें बोलनी शुरू कर दी, यहाँ तक कि इनके सोशल मीडिया अकाउंट पर जाके इनके परिवार वालों को धमकी देनी शुरू कर दी। इससे पीड़ित नुपुर शर्मा ने कुछ दिनों पहले ही एक ट्वीट किया था। ट्वीट के माध्यम से उन्होंने कहा था कि जो पत्र बीजेपी ने जारी किया था उनको निलंबित करने वाला जो पत्र जारी हुआ था, वो पत्र जब सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने लगा तो वहाँ नुपुर शर्मा का एड्रेस शो होने लगा, जिसके बाद नुपुर शर्मा को तरह तरह के थ्रेटनिंग कॉल्स और मैसेजेस आने लगे। उनके परिवार को जान से मार देने की धमकी मिलने लगी। उसके बाद नुपुर शर्मा ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया और सभी मीडिया हाउसेस से इस बात की गुहार लगाई कि उनके पता को, जो उनका एड्रेस है, उसको सुरक्षित रखा जाए, वो डिस्क्लोज ना किया जाए, क्योंकि उनको तरह तरह की धमकियां मिल रही है। और उसके बाद आज नवीन कुमार जिंदल ने एक वीडियो जारी किया है। उस वीडियो में वो अपना दुख, अपना दर्द बता रहे हैं। वो अपना दर्द बयां करते हुए बता रहे हैं कि किस तरह से उनके घर में मौजूद उनकी वाइफ, उनकी बेटी और उनके बेटे को धमकियां मिल रही हैं सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से। कमेंट सेक्शन में लोग उनको तरह तरह की बातें बोल रहे हैं। लोग कैसे उनके कार की वीडियोस बना रहे हैं दिल्ली पुलिस से। वो लगातार गुहार लगा रहे हैं कि हमें सुरक्षा दी जाए। और उन्होंने आज एक वीडियो जो है जारी किया है अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से। एक नज़र डालिए आप उस वीडियो पर, आप देखिए उस वीडियो को और आपको इस बात का आगे लग जाएगा कि नवीन कुमार जिंदल जो है इस समय क्या महसूस कर रहे हैं, उनके ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है। एक नज़र डालिए आप इस वीडियो पर। पिछले कुछ दिनों से मेरे और मेरे परिवार को मारने की धमकियां, उनका बलात्कार करने की बात, मेरे बेटे को, बिटिया को, पत्नी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को उन्होंने पता करके उस पर डायरेक्ट थ्रेट कर रहे हैं, मुझको थ्रेट कर रहे हैं, मेरी फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं। मैंने पुराने जो किताबें लिखी हैं इस्लामिक मदरसे बेनकाब या दूसरी ओर जो मैंने रिपोर्ट जर्नलिज्म के समय पर जो काम किया है वो बत उसको दिखा करके बताया जा रहा है कि मैं काफिर हूँ, इसलिए इसको मारना बहुत ज़रूरी है। मेरे परिवार की हत्या पर $1 मिलियन से ज़्यादा का इनाम रखा हुआ है। और उससे बड़ी घटना एक दूसरी अभी हुई है कि अभी मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए 11:30-11:40 के बीच में निकला था घर से, तो रास्ते में मेरे घर से 300 मीटर दूर विजय चौक पे एक दो व्यक्ति अपने मोबाइल से वीडियो बना रहे थे मेरी कार की जाते वक्त। और जब मैं जा आगे से लेकर के मेरी पीछे निकलने तक की उन्होंने वीडियो बनाई है दोनों व्यक्तियों ने। क्यों बनाई है, किस लिए बनाई, मुझे जानकारी नहीं है, बट इसकी शिकायत हमने दिल्ली पुलिस को दी है और दिल्ली पुलिस आयुक्त से भी निवेदन है कि संज्ञान लें और मेरे परिवार की सुरक्षा को सुनिश्चित करें। फिलहाल इतना ही, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही देश विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आप मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक ये देखते रहें जनसत्ता.com।